हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, अगेन फिर से नए वीडियो के साथ पहुंच गया हूं। आज हम लोग इस वीडियो में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और जहां पर साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात हो वहां पे इनका नाम न आइए हो ही नहीं सकता। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, दैट इज F.W. टेलर, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब भी बिजनेस स्टडीज की बात आती है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम लोग को इन डेप्थ लेकर के जाऊं कि उसके पीछे का जो रूट लेवल है वो तुम लोग समझ जाओ, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसको शुरुआत करने के पीछे भी एक लॉजिक था जो भले ही F.W. टेलर ने दिया। तो बेसिकली उनके बारे में समझ लेते हैं कि वो थे क्या। तो F.W. टेलर जो थे वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो बंदे बहुत साइंटिफिक, मतलब वो साइंस से बिलोंग करते थे, बट उन्होंने कॉमर्स से रिलेटेड प्रिंसिपल को दे मारा, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कैसे हुआ तो सुनो, थोड़े से पहले बैकलॉग में जाओ, मतलब प्रायर टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता था कि जो ऑनर होते थे, बिजनेस के ऑनर होते थे या मैनेजर बोल लो, वो लोग क्या करते थे, जब उनका आंख खुलता था व्हेन दे अरोज, वो क्या करते थे, कोई ना कोई डिसीजन वर्कर पे थोप देते थे। क्या करते थे, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, तो क्या करते थे, वर्कर्स को उनके ये में काम करना पड़ता था। बट कहीं ना कहीं जब F.W. टेलर फैक्ट्री में काम करते थे, जब वो अप्रेंटिसशिप थे, एज ए अप्रेंटिसशिप वो काम करते थे, तो उन्होंने क्या हुआ, वो रूट लेवल पे बात को जाना। वो बोला नहीं यार, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो जाएगा और एफिशिएंसी भी फुल हम लोग ले नहीं पाएंगे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, हिट एंड ट्रायल का मतलब है क्या, जब कोई आया वो अपना डिसीजन सुना के चल गया और बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, तो क्या हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड सक्सेसफुल एक लेवल पे कभी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। हिट एंड ट्रायल मतलब अगर बंद कमरे में तुम अगर पत्थर फेंकते हो तो जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर एम में लग जाए। तो जो F.W. टेलर थे उन्होंने बताया कि नहीं, कोई भी काम करने से पहले उसके पीछे रिसर्च एंड एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर लो, उसके बाद उस काम में हाथ दो, वो काम डेफिनेटली 100% अचीवमेंट के साथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विथ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा। तो बस यहीं से साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत हो गई। अब देखो इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, टेलर ने क्या कहा, टेलर ने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स Knowing exactly what men want to do, क्या करना चाहते हैं, उनके ग्राउंड लेवल को समझो, जो आपके मेन से, जो आपके मैनेजमेंट में जो मेन से, वो क्या करने चाहते हैं, वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, सबसे पहले वो जानो। And seeing that they do it in the best and cheapest way, अगर वो उसके जो चाह, उनके भीतर के जो चाह को तुम जान जाओगे, तो वो हर एक काम को बेस्ट एंड चीपेस्ट वे से कर पाएंगे। मतलब सीधे से बात है, कोई भी काम करने से पहले आप उसके इन डेप्थ चले जाओ, देखना वो काम, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद अगर कोई भी काम को आप करते हो तो आपका काम 100% या 1000% परफेक्ट होगा। तो बस, तो इसी के चलते उन्होंने चार प्रिंसिपल को डेवलप कर दिया F.W. टेलर ने। वो चार प्रिंसिपल क्या है आओ देखते हैं। जहां तक बात करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल की, तो F.W. टेलर ने चार प्रिंसिपल को इवॉल्व किया, मतलब डेवलप किया, लेकिन वो पूरा पूरी अपोज थे रूल ऑफ थंब पे। ये रूल ऑफ थंब क्या है सर, जल्दी से बताइए। देखो इसके पहले मैंने बताया ना, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब अंधेरे कमरे में वो डिसीजन फेंक देते थे, अगर लग जाए तो सही है, नहीं हुआ तो पूरा वेस्टेज ऑफ मनी है, इवन एफिशिएंसी भी वेस्ट है। तो क्या होता था, इसी प्रैक्टिस को वो लोग बोलते थे रूल ऑफ थंब, मतलब आता कुछ नहीं, रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो वो कंप्लीटली अपोज करते थे इस रूल ऑफ थंब से और बोलते हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल वही दिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस को तुम रूल ऑफ थंब नहीं बोल सकते उनके हिसाब से। तो क्या है, देखो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले मैंने बताया उस काम को पहले फुल्ली एनालाइज कर लो, उसके बाद पास्ट एनालिसिस के बाद तुम उस काम में हाथ दो। तो उस प्रिंसिपल में यही बात को उन्होंने कहा, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मैक्सिमम प्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड ओनली बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेथड। कोई भी काम में स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो मेथड जो तुम फॉलो कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड मेथड तभी उठ करके आएगा जब तुम उस मेथड के बारे में पास्ट एनालिसिस कर लोगे। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड द
स्टैंडर्ड मेथड मस्ट बी डेवलप्ड बाय इवैल्यूएटिंग डिफरेंट मेथड्स फॉलोड इन द पास्ट एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल मेथड। वही करना है, पास्ट एनालिसिस कर लो, जो तुम पास्ट में बहुत सारे मेथड यूज किए हो उसको एनालिसिस करो, उसमें से जो सबसे अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट लेकर के आया तुम उसी को फॉलो करो। तो यही सबसे पहला प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें क्या जरूरी है, प्रोडक्शन टेक्निक कैन नॉट बी फॉलोड बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। बिल्कुल सही बात है, आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो और उस लेवल पे जाकर के आप हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल मेथड अगर सही है तो सही है, नहीं तो गलत है तो फुल गलत है, और फुल गलत होने पे सब बर्बाद। तो क्या जरूरत है हिट एंड ट्रायल मेथड करने की, उसके पीछे पास्ट एनालिसिस कर लो। तो यही हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसके पहले मीनिंग समझो, हार्मोनी का मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है। तो अब जिस भी मैनेजमेंट की बात करो वहां पे मैनेजर लेवल अलग होते हैं, वर्कर लेवल्स अलग होते हैं, तो उनमें क्या होता है, हार्मोनी होना बहुत जरूरी है। मतलब थिंकिंग जो पावर, जो थिंकिंग है वो एक जैसा होना चाहिए। मतलब हाँ, अलग अलग लेवल के थिंकिंग तो अपने अपने हैं, बट उनका जो कॉमन थिंकिंग है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होगा वो सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या है, देखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उनमें, एंड फेथ अमोंग ईच अदर। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फेथ होना चाहिए उनका, एक दूसरे के प्रति भरोसा होना, फेथ होना, वो जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। कंफ्लिक्ट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमोंग द मैनेजमेंट एंड वर्कर अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है, अगर ये जो कंफ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस हो जाएगा अगर ओपिनियन में, मतलब कोई सोचेगा नहीं तू मैनेजमेंट सोच, मैनेजर सोचेगा हम ही सही है, वर्कर सोचेगा नहीं हम ही सही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंफ्लिक्ट हो गया दोनों के ओपिनियन में। तो कंफ्लिक्ट इन ओपिनियन अगर हो गया तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट देगी, इससे क्या होगा एफिशिएंसी भी घट जाएगा और कॉस्ट तो सोच लो कहां चला जाएगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। द कंबाइंड एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड द वर्कर हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। अगर ये कंफ्लिक्ट इन ओपिनियन ना हो और सब एक तरीके से सोचे, एक ही यूनाइटेड गोल हो सबका, तो कहीं ना कहीं क्या होगा ये चीज अचीव हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल, अब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने में बहुत फ्रूटफुली वो अचीव कर पाएगा, क्लियर है। अगर नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये 3 नंबर प्रिंसिपल है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉपरेशन अमॉन्ग वर्कर्स एंड मैनेजर्स। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी अपना जो इंडिविजुअलिज्म जो मोटिव लेकर के चलता है वो चीज को साइड में रख करके एक यूनिटी दिखाओ, यही है कॉपरेशन, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म को साइड करो, क्या है, देयर शुड बी अ कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअलिज्म की कोई भी बात, मतलब सिर्फ मेरा 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 आई वर्ड नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे वी वर्ड को लेकर के चलो, दैट इज अस्प्रिटी कॉप्स, जो फेयोल्ड के प्रिंसिपल्स है, बस उससे समझ लो। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन एंड देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। क्या है, ये जो कंपटीशन, ये जो इंडिविजुअल लेवल में जो कंपटीशन होता है इसको रिप्लेस करके कॉपरेशन में बदल लो, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी काम, मतलब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क करो, किसी में भी कोई पार्शियलिटी, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो जब भी किसी में कोई बायसनेस या पार्शियलिटी नहीं होगी तो वहां पे कॉपरेशन इनडायरेक्टली दिखी जाएगा, मतलब यूनिटी ऑफ फोर्स दिखेगा ही दिखेगा। नंबर नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब यहाँ पे क्या है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसका जो डेवलपमेंट होगा, जो भी वर्कफोर्स है उसका डेवलपमेंट ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ लेकर के चलना है और इस लेवल तक पहुंचाना है जो मतलब वो प्रोडक्टिविटी को हाई कर ले। क्या बोला गया है, देखो, अंडर दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अपॉइंट सच पीपल हु पोजेस द मेंटल फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। इसका मतलब है कि तुम अगर स्टाफिंग प्रोसेस कर रहे हो, मतलब रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो इस तरीके से रिक्रूट करो कि वो हर एक चीज में सबसे ऊपर हो, क्लियर है,
क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क तो उसी के हाथ में देना है ना जो पर्टिकुलर वर्क में स्पेशलाइज्ड हो। तो तुम्हें स्टाफिंग प्रोसेस भी मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इसी तरीके से करना होगा, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे वो उसके जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है उसको बढ़ा दे। क्लियर है? टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। उसके बाद तुम जिस तरीके से स्टाफ को ले रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, उसके बाद क्या करो, एक अच्छा लेवल का ट्रेनिंग उसे दो, उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग फैसिलिटी करते जाओ। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर इफ एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर, अगर वो प्रोड्यूस करेंगे मोर तो अर्न भी होगा मोर, एंड अर्न मोर दस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर। बिल्कुल सही बात है, दोनों तरीके से उनका ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी और क्या होगा एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी तो बेनिफिटेड होगी ही होगी और एज वेल एज वर्कर भी, मतलब जो हमारा वर्क फोर्स है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, वो भी प्रोडक्टिव वे में काम करेगा। क्लियर है? इसके पीछे का लॉजिक, जब एफडब्ल्यू टेलर ने ये चार प्रिंसिपल को अप्लाई किया ना, उनके साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी बताए कि इन सब को करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। वो क्या करते थे, वो बेथलेन स्टील कंपनी में काम करते थे, तो उनका जो प्रोडक्टिव लेवल था ना वो एकदम थ्री फोल्ड आगे चला गया, मतलब तीन गुना ज्यादा आगे चला गया। किस तरीके से, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करने से। प्रिंसिपल के साथ साथ उन्होंने टेक्निक्स भी बताई है, इस वीडियो में हम वो कवर तो नहीं कर पाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो तब तक के लिए कंटिन्यू रहो, आज के लिए साइनिंग ऑफ करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पोर्शन को डील करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।